मैंने इसको स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया अब, और ये शिफ्ट एस भी कर दिया। आ गया क्या? Now I am visible to you all or not? Now I think I should be visible. My voice is also coming. Actually, they had given me a wrong key. That was the previous year. Achha was Savita ne. Savita told me right. This was that was that key was of other class. So now it is live. वॉइस तो अभी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, वॉइस तो अभी सब हो जाएगी ठीक। नाउ वॉइस इज ओके। ओके 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 थैंक यू। सो वेलकम टू अनअकैडमी ओहाना, वर्क हार्ड एंड गेट सेलेक्टेड। Welcome everyone. Everyone is welcome to the class. So today I wanted to start this class with something pious and very important for our prelims exam. दो दिन इंटरव्यू लेते हो गए। I have taken interviews of around 24 people, and I can assure you people, the persons who are attending my classes, they are far far superior to them, far far. They did not even know the basics. I don't know how have they cleared the exam. It's so surprising, very very surprising. But it's okay. For us, it is the best chance. Today, the oldest person who was there was around 37 years of age. 37. And yesterday there was a girl of 21 years of age. और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी भी कह रहे थे कि हिम्मत नहीं हारेंगे एंड वी शैल गो ऑन। दे हैव क्लियर्ड मेंस, आई डोंट नो हाउ, दिस इज रियली वेरी सरप्राइजिंग। एक बच्चा तो ऐसा है जिसको लास्ट ईयर मैंने कहा था, लास्ट ईयर भी वो आया था इंटरव्यू में, मैंने तो कहा था तुम अपना मीडियम चेंज कर लो, हिंदी में कर लो, हिंदी में इंटरव्यू देना कम से कम। उसने फिर इस बार इंग्लिश में इंटरव्यू देने लिया है, और पिछली बार उसके नंबर आए थे 140, और इस बार आएंगे 110, क्योंकि इंग्लिश का वो सेंटेंस ही नहीं बोल सकता, तो इंग्लिश लेने की जरूरत ही नहीं थी, हिंदी मीडियम लेना चाहिए था। बट अदरवाइज देयर आर सो मेनी गुड कैंडिडेट्स, वेरी वेरी गुड कैंडिडेट्स, फ्यू आर रियली सरप्राइजिंग। They knew so much. They knew really a lot of configuration was mine today. But let me assure you another thing which I want to tell. I asked everyone, did you study with the books or not? They said we started our studies with books, but then we had to keep them away. No one studied with books. Everyone kept their books away. They took the notes from here, there, and then studied. ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये पक्का ध्यान रखना है अपने पर। नहीं, इंटरव्यू में बाइलिंगुअल नहीं चूज कर सकते, इंटरव्यू में तो जो आपने चूज कर लिया उसी में आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में यू आर नॉट अलाउड टू चेंज, ये बाइलिंगुअल वहां नहीं चलता, यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपने हिंदी मीडियम ले रखा है उसमें अगर आप जो इंग्लिश के एक दो वर्ड्स बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं जारे, उनमें कोई नहीं मतलब फर्क पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज नहीं आप चेंज कर सकते।
मेरे क्रिटिकल इश्यू नोट्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर हियर, जो क्रिटिकल इश्यूज बनाए गए हैं फॉर इंटरव्यूज, दे हैव बिकम वेरी वेरी पॉपुलर टुडे। 87% टुक देम, सो अन अकेडमी इज गिविंग देम ऑन ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन, बेसिकली यू कैन गेट इट ऑन व्हाट्सएप एटसेट्रा, तो दे आर गिविंग, आई एम ऑल्सो सेंडिंग इट टू यू पीपल। दे आर बेसिकली मेंट फॉर इंटरव्यू, सो आई हैव सेलेक्टेड आउट ऑफ द होल लॉट सम इशूज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। सो दे आर थ्री सेट, GS1, GS2, GS3। सिमिलर वे वी आर गोइंग टू हैव ऑल इशूज, दे आर ऑलमोस्ट रेडी, सो आई थिंक विद इन अ डे और टू वी शुड डिस्ट्रीब्यूट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। I'm talking about critical issues only. I'm talking about the critical. These critical issues which I am giving them are also filtered critical issues from the whole list of the critical issues of the whole year. Okay? Ankur, समझ में आई बात? Okay, let us see. Let us crack UPSC CSE stress free 2023 to 2024. लर्न फॉर सक्सेस, मुझे जीत का मजा चखना है। मैं राकेश वर्मा हूँ, आई एम चेयरमैन ऑफ अन अकेडमी मॉक इंटरव्यू बोर्ड 2020, 21 एंड 22। आई एम टॉपर इन बीटेक, एमबीए, एमए इकोनॉमिक्स। आई रिटायर्ड इन चीफ सेक्रेटरी रैंक। आई ज्वाइन आईएएस इन 1981। जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उनके लिए मेरे दो कोर्स हैं, RVJ 81 एंड RVJ IAS। ये कोर्स मेरा GEDM का बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, बहुत ही अच्छा। इतने फंडामेंटल से समझाया है बच्चों को कि एल नीनो और ला नीना और ये सब, दे एवरीथिंग हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर देम। एंड उसका इम्पैक्ट दो डायग्राम को जोड़ के, दो मैप्स को जोड़ के बनाना पड़ा, लेकिन इस फिनोमिना का इम्पैक्ट हमारे मानसून पे क्या होता है ये हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया। Ethics course is going to start on 20th of April. Let us see what happens. It is very important to understand again and again and again and again. आपको पता होगा, आश्चर्य होगा कि जो बच्चे वहाँ इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको ये पता है, जबकि वो अपने स्टूडियो पढ़े हुए नहीं है, बट दे न्यू ये दिस की दे वॉज नोन टू देम। सो की टू सक्सेस इज आवर क्लासेस, देन क्रिटिकल इश्यूज प्लस इंपॉर्टेंट इश्यूज प्लस सेल्फ मेड MCQs, स्मार्ट नोट्स, EPW, ORF, डिप्लोमेट सेमिनार, DT, इन्वेस्टोपीडिया, CTC, UAM, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट्स, PIP पोर्टल एंड कैट बुक्स। यू विल अगेन बी सरप्राइज, ज्यादातर बच्चों ने सी सेट की तैयारी के लिए कैट बुक्स को ही पढ़ा, हमने तो बाद में लिखा, लेकिन बच्चे ऑलरेडी इसी इन्हीं बुक्स को पढ़ रहे हैं। सो ये आप लोगों की जानकारी के लिए अच्छी चीजें हैं। नाउ लिंगराज टेम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू। व्हाई, लेट अस सी व्हाई दिस टेम्पल इज इन न्यूज। हमेशा सारे क्रिटिकल इशू जो मैं आज से शुरू कर रहा हूं भगवान के उससे, इस सारे इशू में सबसे पहली स्लाइड हमारी यही होगी कि व्हाई दिस पर्टिकुलर इशू इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इन न्यूज। तो ध्यान से रखिए, अर्ली अप्रैल 2022, सोचिए अभी की बात है, द सेंटर इन अर्ली अप्रैल 2022 सॉट क्लेरिफिकेशन ऑन सर्टेन क्लॉजेस ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट श्री लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस। यू नो उड़ीसा ने लिंगराज टेम्पल और उसके आसपास जो टेम्पल्स हैं उनको अब अपनी संपत्ति मानते हुए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत, आमसर कहते हैं इनको, आमसर एक्ट उसके तहत कवर होती है, तो इसलिए इनका जो कंट्रोल और मेंटेनेंस होगा वो हमारे पास होगा, इसलिए इश्यू है। देखो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहा है इस समय। सेंटर इस ओपिनियन का है कि उड़ीसा सरकार को इस तरह का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है
जो कि इस टेंपल को, जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत कवर हो रहा है, या उसके साथ वाले जो टेंपल्स कवर हो रहे हैं, उनको अपने अधिकार का टेंपल घोषित कर सके, ये राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। ये है इशू। तो क्या है इशू? उड़ीसा सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और इसको कहा कि ये महालिंगराज जी का जो टेम्पल है ये हमारे संपत्ति है और हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे और हमारे ही अधिकार में ये रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपके नहीं रह सकता, ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको अमासर एक्ट भी कहते हैं, उसके तहत ये केंद्र सरकार के प्रोटेक्शन में रहेगा। एज दिस ऑर्डिनेंस कवर्स 12 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द श्री लिंगराज टेम्पल एंड थ्री एंशियंट टैंक्स, द सेंटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सेम चीज को राज्य सरकार ने अपनी घोषणा कर दी, केंद्र सरकार कह रही है नहीं, आप नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इसलिए श्री लिंगराज जी का जो टेम्पल है इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज में आया। ये जो ऑर्डिनेंस था, ये ऑर्डिनेंस जो स्टेट कैबिनेट ने पास किया था, ये दिसंबर 2020 में किया था। सोचिए आप, अब जाके केंद्र सरकार द्वारा इस पे विवाद उठाया गया है। सो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था दिसंबर 2022 में। तो लिंगराज जी का टेम्पल और आठ इसके साथ एसोसिएटेड जो टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर में, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था दिसंबर 2020 में अपना। और आज की तारीख में भी लिंगराज टेम्पल जो है उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951 के तहत ही इसका मैनेजमेंट उड़ीसा सरकार कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है कुछ भी हो हमारा है, दीज आर कवर्ड अंडर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑर्डिनेंस, तो ये हमारे अंडर में रहेगा, आपके अंडर में नहीं रहेगा। सो ये एक मेन झगड़ा इस बड़े टेंपल के आधार में और इस केस रेफरेंस में चल रहा है। मजेदार बात तो ये है कि राज्य सरकार ने ये प्रोविजन किया कि इसका एक 15 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें एक सीनियर हिंदू आईएएस ऑफिसर उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ऑन द लाइंस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी विच इज गवर्न बाय श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू 1958 एक्ट, द न्यू कंस्ट्रक्शंस आर नॉट अलाउड इन द प्रोहिबिटेड एरिया। एरियाज विद इन 200 मीटर्स आर आइडेंटिफाइड एज रेगुलेटेड एरियाज वेयर परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हैज टू बी टेकन, दैट इज नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑथोरिटी। सो बड़ा झगड़ा हो गया। अभी हम देखेंगे लिंगराज टेम्पल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है कि जिसके कारण कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इतना बड़ा विवाद हो गया। लिंगराज टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा यानी कि शिव जी महाराज एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ये टेम्पल कलिंग आर्किटेक्चर के आधार पे बना हुआ है, 11th सेंचुरी AD में बनाया गया था और रेड स्टोन के अंदर बनाया हुआ है। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ शिव जी और कलिंग आर्किटेक्चर पर ये बनाया गया। इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम के लिए कि कलिंग आर्किटेक्चर पे बनाया गया है और 11th सेंचुरी AD का है। इट इज रेड इन रेड स्टोन। ओके नाउ लिंगराज टेम्पल इज बिल्ट फर्स्ट बाय द रूलर ययाति केसरी। तो लिंगराज टेम्पल पहली बार बनाया गया था ययाति केसरी द्वारा और कंटिन्यूड बाय द किंग्स फ्रॉम द सोमावस्मी सोवामसी डायनेस्टी
with later additions from गंगा rulers. इसकी खासियत यह है कि इट इज बिल्ट इन देवला स्टाइल दैट हैज फोर कंपोनेंट्स नेमली विमाना. विमाना मीन्स जो जहां पर बीच में मूर्ति रखी जाती है. विमाना अपने पढ़ा भी था एंशियंट आर्किटेक्चर के समय कि विमाना वो स्थल होता है जहां पर कि मूर्ति रखी जाती है. सेंक्टम सेंक्टम सेंट्रलम. देन जगमोहना. जगमोहना मीन्स जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं. दैट इज जगमोहना. देन नता मंदिरा यानी कि फेस्टिवल हॉल और भोग मंडपा जहां पर कि लोग उस पर भोग चढ़ाते हैं भगवान जी पर ऑफरिंग करते हैं. ईच इंक्रीजिंग इन द हाइट टू इट्स प्रेडेसेसर. अपने प्रेडेसेसर से पहले उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है. तो यानी कि जो जहां पर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है वो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है. नाउ इसका जो एक चित्र है उसको आप तो देखेंगे कि बड़ा स्पेशल आर्किटेक्चर है इसका. इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड स्कीम दिखाने की कोशिश की है. सो ये तो इसका शिखर है पिंक कलर का ऊपर. दिस इज द शिखर एंड दिस इज विमाना. गर्भगृह जहां पे मंदिर है. मंदिर मीन्स जहां जिसे हम गर्भगृह कहते हैं. दिस इज जगमोहन मंडपा जहां मीटिंग होती है जहां लोग इकट्ठे होते हैं. दिस इज गोपुरम टावर. जो गेट्स होते हैं वो गोपुरम टावर्स कहलाते हैं. ये है डांस पवेलियन एंड भोग मंदिर. सो दिस इज द सिस्टम. सो भोग मंदिर और डांस पवेलियन छोटे साइज के, उससे ऊपर जगमोहन मंडपा यानी कि मीटिंग हॉल, फिर गर्भगृह और उसके ऊपर विमाना. सो दिस इज दिस वॉज अ स्पेशल स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर, कलिंगा आर्किटेक्चर. एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एंड सिंप्लीफाइड स्कीमा ऑफ हिंदू टेम्पल. ओके नाउ इन द सेंक्टम सेंक्टोरम द लिंगा ऑफ द लॉर्ड शिवा इज रिगार्डेड एज स्वयंभू सेल्फ ओरिजिनेटेड. इसके अंदर जो शिवलिंग रखा गया है जो है वहां पर उनको माना जाता है कि अपने आप ही वो प्रकट हुए थे. और ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है इस टेम्पल की जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये टेम्पल जो है इट इज वर्शिप्ड एज बोथ लॉर्ड शिवाज टेम्पल एंड लॉर्ड विष्णुज टेम्पल. वेरी इंटरेस्टिंग. आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों दो दो एक स्टेट और सेंटर के बीच में इसमें विवाद चल रहा है. क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है. तो ये जो मंदिर है इसके अंदर जो शिवलिंग जी है उनको वर्शिप किया जाता है बोथ लॉर्ड शिवा के रूप में और लॉर्ड विष्णु के रूप में. सो द amiability of the two factions is found in the temple where the god is adored as harihara. harihara kehte hain jisme ki vishnu aur shiva dono ka roop ho. harihara harihara a consolidated type of vishnu and shiva. very special thing. this temple has images of vishnu possibly because of the rising prominence of jagannath sect. उस समय जगन्नाथ सेक्ट खूब प्रसिद्ध हो रहा था. तो इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की बहुत सारी इमेजेस हैं. राइट, ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज है इस टेम्पल की. तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. कलिंगा स्टाइल इज आइडेंटिफाई एज ए सब क्लास अंडर द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जीएस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंशियंट आर्किटेक्चर टेंपल आर्किटेक्चर. सो कलिंगा स्टाइल इज आइडेंटिफाइड एज ए सब क्लास अंडर द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कलिंगा टेंपल स्टाइल्स. रेखा, खाखरा एंड भादरा. कलिंगा स्टाइल जो होती है टेम्पल्स की वो तीन तरह की होती है. एक को हम कहते हैं रेखा, दूसरे को कहते हैं खाखरा
और तीसरे को कहते हैं भादरा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एक बार वो ये था कि इन चार दे रखे थे, इनमें से कौन सा कलिंगा टेम्पल स्टाइल नहीं है। चार दे रखे थे उसमें से एक थे रेखा, खाकरा, भादरा और एक और कुछ दिया हुआ था। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कलिंगा टेम्पल स्टाइल्स, रेखा, खाकरा एंड भादरा। नाउ व्हाट इज रेखा? रेखा देओल इज डिस्टिंग्विश्ड विद इज स्क्वायर प्लान टॉप विद ए कर्विलीनियर टावर, यानी कि ये स्क्वायर प्लान है इसका बिल्कुल इस तरह से, जिससे बना के दिखाता हूँ आपको। सो स्क्वायर प्लान, ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड इसके ऊपर कर्विलीनियर, कर्व वाला शिखर, दिस इज रेखा देवल। इट इज डिस्टिंग्विश विद द स्क्वायर प्लान टॉट विद ए कर्विलीनियर टावर। देन पिधा देओल ऑल्सो रेफर्ड एज भादरा देओल। सो ये भादरा टेम्पल किसे कहते हैं? रेखा देओल, देन भादरा टेम्पल। इसका भी नीचे प्लान तो स्क्वायर होता है, इसका भी जो इस प्लान है वो तो स्क्वायर ही है, इसलिए इजी एग्जाम के लिए याद करना इसको। So, इसका नीचे स्क्वायर है, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है कि नाउ इसके ऊपर पिरामिड शेप है बिल्कुल। दिस इज नाउ पिरामिड शेप। सो इसके ऊपर पिरामिड बना हुआ, इस पे एक कर्व लीनियर था, ये कर्व था। यहां पर नीचे चकोरी है लेकिन ऊपर जैसे पिरामिड बना होता है वैसे पिरामिड बना हुआ है, इसे कहते हैं भादरा, भादरा टेम्पल। और जो खाकरा होता है इसके नीचे भी प्लान तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही होता है लेकिन बैरल शेप टावर होती है। बैरल का मतलब जिस तरह की टावर, जैसे मान लीजिए ये बनाया, ये आपका टेम्पल है, अब इसके ऊपर बैरल टाइप, सो देयर थ्री टाइप्स ऑफ टेम्पल्स। वन इज रेखा टेम्पल, सेकेंड इज पीढ़ा या जिसको हम भादरा भी कहते हैं, और तीसरा खाकरा। इट इज सरमाउंटेड विद ए बैरल शेप्ड वॉल शेप्ड टावर ओवर ए रेक्टेंगुलर प्लान। नाउ शिल्प रक्षा इज द मोस्ट फेमस टेक्स्ट डिस्क्राइब द उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर विच वॉज ऑथर्ड बाई रामचंद्र कोलाछरा हु बिलोंग टू द रेन ऑफ किंग वीरा रमना। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये तीन टेम्पल की स्टाइल्स तीनों पता होनी चाहिए। सबसे पहले रेखा टेम्पल, रेखा टेम्पल जिसके अंदर की स्क्वायर तो बेस हुआ और उसके ऊपर कर्विलीनियर होल टावर्स। देन आया पिरामिडिकल टावर जिसको हम कहते हैं भादरा टेम्पल, और खाकरा टेम्पल में एक बैरल शेप टावर ऊपर बनी होती है रेक्टेंगुलर प्लान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की है। ये देखो, नाउ यू कैन इजीली सी इट, दिस इज खाकरा, इसमें बैरल शेप बनाया हुआ है,
ये बैरल शेप जो अपने बना के दिखाया था अभी यहाँ पर, सो दिस इज द बैरल शेप, दीज आर पिरामिड्स, यानी कि जिसपे पिरामिड बने हुए हैं, नीचे रेक्टेंगुलर से ऊपर पिरामिड बना हुआ है। ये गर्भगृह है, ये रेखा टेम्पल कहलाता है, जो ये कर्वी लीनियर बना होता है इसके। सो ये कलिंगा आर्किटेक्चर का बड़ा स्पेसिफिक स्टाइल है। सबसे पहले खाकरा होगा, खाकरा मंदिर, जिसके अंदर ऊपर एक बैरल रखा होगा, नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप है। उसके बाद पीढ़ा, यहाँ पर स्क्वायर शेप है और उसके ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। ये रेखा देवल, रेखा देवला, इसका मतलब ये कर्व लीनियर है, यानी कि इसके अंदर एक कर्व के रूप में ये शेप बनी हुई है। ये इस प्रकार तीन तरह के कलिंगा आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया बच्चा सबको? ये समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मेजर इवेंट है अपने लिए एग्जाम के लिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, इसको जरा एक्चुअल शेप में देखिए। ये जो खाकरा था, जो बैरल शेप का था, वो इस तरह का दिख रहा है एक्चुअल में बना हुआ। ये रहा खाकरा, खाकरा देवला ऐसा दिखता है। और ये वो जो है पिरा देवला, जो बीच वाला है, और ये रेखा देवला, ये देखो ये कर्वी लीनियर है ना, कर्व का तरह से बना हुआ है। ये पिरामिड बना हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर पिरामिड बना हुआ है। ये बड़ा स्पेशल चीज है कलिंगा आर्किटेक्चर की। इस प्रकार क्रिटिकल इश्यू को डेवलप किया जाता है। न्यूज आई और न्यूज के बाद अब हमने देखा कि इसके संबंध में है क्या चीज, ये कौन सा कलिंगा आर्किटेक्चर है, क्या इस टेम्पल के अंदर खासियत है। तो हमको पता चला अरे तो विष्णु जी और शिव जी दोनों के रूप में माना जाता है इन टेम्पल को। सो दिस इज वेरी 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 ओल्ड टेम्पल। नाउ ए टिपिकल कलिंगा टेम्पल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेंचुरी वेयर एन आइडल और लिंगा इज प्लेस्ड, हॉल वेयर पिलग्रिम्स कैन व्यू द लॉर्ड इंस्टॉल्ड इन द सेंचुरी। द सेंचुरी इज रेफर्ड एज ए देओल मंदिर, द हॉल इज नोन एज जगमोहना। द अदर कंपोनेंट्स अंडर कलिंगा स्टाइल आर पीठा, पीठा मतलब प्लेटफॉर्म ओवर विच द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल स्टैंड, दैट इज पीठा। पीठा मीन्स जिसके ऊपर टेम्पल बना हुआ है, यानी कि जो बेस होता है। बड़ा इज द वर्टिकल वॉल, और गंदी गंदी इज द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, जिसपे मस्तका अपर अपर पार्ट, गंदी इज द लोअर पार्ट और मस्तका इज द अपर पार्ट। तो नागरा आर्किटेक्चर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, नाउ इट्स अ कंपेरेटिव नाउ कंपेरिजन इन बोथ द स्टाइल्स, जस्ट सी द नागरा आर्किटेक्चर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल इज अ डिस्टिंग स्टाइल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इमर्ज इन नॉर्दर्न एंड नदर्न इंडिया फ्रॉम द 5th सेंचुरी AD ऑनवर्ड्स। यहाँ पर केवल एक शिखर ही होता है इस टेम्पल में, जैसे यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स है वो नहीं, यहाँ पे एक ही शिखर है बस। नॉर्थ में जाए तो टेम्पल ऐसे ही बने हैं, नॉर्थ के अंदर जो नागरा आर्किटेक्चर है ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर है। ये 5th सेंचुरी AD के बाद बनने शुरू हुए, इसके अंदर बस एक ही पीक होता है, एक ही शिखर होता है। एंटायर टेम्पल इज जनरली बिल्ट ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म, हर जगह ऐसे होता है, स्टोन प्लेटफॉर्म बनाएंगे बड़ा सा, स्टेप्स बनाए जाएंगे। तो जैसे ये आपका प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए आपके स्टेयर्स बना दी, एंड
इसके जब चढ़ के ऊपर जाएंगे उसके ऊपर टेम्पल बना हुआ मिलेगा आपको। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ नागरा आर्किटेक्चर। समझ में आया? देखे होंगे आपने सारे टेम्पल इस तरह से होते हैं, सीधे चढ़ के ऊपर जाते हैं, उसके बाद एक शिखर मिलता है हमको। द्रविड स्टाइल में जैसे गेट बने होंगे या सब कुछ होंगे, यहाँ पे नहीं होते हैं। नागरा स्टाइल के अंदर कोई गेट वेट नहीं होते, इसमें डायरेक्ट आप अंदर जाइए, बाउंड्री के अंदर जाएंगे, आपको टेम्पल खड़ा हुआ मिलेगा। अर्लियर टेम्पल्स हैड वन शिखरा वेयर एज लेटर टेम्पल्स हैड मेनी। उसके बाद धीरे धीरे एक दो मोर शिखर लोग लगाने लग गए अपने सुंदर बनाने के लिए। द गर्भगृह इज लोकेटेड डायरेक्टली बीनीथ द टॉलेस्ट शिखर। तो ये जो शिखर मैंने दिखाया है, जो सबसे ऊंचा शिखर होगा उसके अंदर भगवान जी की मूर्ति रखी होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है नागरा आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडियन स्टाइल और कलिंगा स्टाइल। कलिंगा स्टाइल में सबसे पहले हम घुसते हैं रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर बैरल जैसा शेप होता है, फिर एक स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड शेप होता है, फिर मेन गर्भगृह जिसपे कर्विलिनियर शेप होता है। जबकि जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है वहां पर एक प्लेटफॉर्म होगा, सीढ़ियां चढ़ के प्लेटफॉर्म पे पहुंचिए और उसके बाद एक ही उसके ऊपर शिखर बना होगा। दैट इज डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन है इसका। अब नागरा स्टाइल जो है नॉर्थ इंडिया की, उसको जरा थोड़ा सा देखें। रेखा प्रसाद स्टाइल बहुत ही सिंपल, जो गांव गांव में होता है टेंपल, सिंपल शिखर विद स्क्वायर बेस एंड हुज वॉल स्लोप इनवर्ड टू ए पॉइंट ऑन टॉप। राइट, हमेशा आपने देखा है ज्यादातर टेंपल आपको गांव में पुराने जगह जहां भी जाके देखेंगे उसके अंदर कैसा मिलेगा टॉप आपको। बिल्कुल इसके नीचे गर्भगृह होता था जहां पे मूर्ति की स्थापना होती थी। ये बड़ा कॉमन है। अब अगर आप, इसलिए जब अपन पढ़ते हैं ना हिस्ट्री को, अगर हम इसको अपने आसपास देख के पढ़ेंगे और इसको क्रिटिकल इश्यू के साथ जोड़ेंगे तो बहुत इजीली याद रह जाता है और बहुत ही इजी इसको समझ में आ जाता है। तो रेखा प्रसाद यानी कि इससे लीनियर स्ट्रक्चर। देन फार्मसाना, यहाँ पे रूफ्स आर कंपोज ऑफ मेनी स्लैब्स दैट जेंटली राइज टू ए सिंगल पॉइंट ओवर द बिल्डिंग सेंटर। क्या मतलब हुआ? ये देखो, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ पे पहली स्लैब बनाई, ये हो गई सर पहली स्लैब, दूसरी स्लैब इसके ऊपर रखी, फिर तीसरी स्लैब रखी, फिर चौथी स्लैब, समझ रहे हैं आप कैसे बन रहा है टेम्पल? सो फार्मशाना बेसिकली रूफ डू नॉट कर्व इनसाइड, जबकि उसमें देखा था ना रूफ कर्व हो रही थी, नीचे अंदर आ रही थी कर्व होके, यहां पर दे आर गोइंग इन स्ट्रेट इंक्लाइन ऊपर, यहां बिल्कुल स्ट्रेट पे चलती चली जा रही है। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल स्टाइल और गांव में आपको ऐसे टेम्पल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बनते ही ऐसे थे पहले, क्योंकि ऐसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को, इतनी बड़ी जो पूरा पूरा उसका कवरिंग होता था जिसपे मूर्ति नीचे होती थी, उसको बनाना संभव ही नहीं था अदरवाइज। तो क्या करते थे, एक के ऊपर एक स्लैब रखते चले जाते थे और अल्टीमेटली लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत सुंदर बन जाता था, जिसको हम कहते थे फार्मसना। तो यहाँ पर
और मंदिरों में जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, उसमें अंदर कर्म मुड़ रहा था। फिर यहां पर झंडा दिस इज द डिफरेंस इन दीज टू स्टाइल्स। देन एक होता था वल्लभी, अगेन रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद अ रूफ दैट राइजेज इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर। सेम वैसे ही जैसे वॉल्ट उसमें बनता दिखता था, हमने उसमें देखा था दरबार स्टाइल के अंदर, कलिंग स्टाइल में। दिस इज बेसिकली सिचुएटेड ऑन ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। आपको इतनी ड्राइंग ही मेरी इजी लग रही है बनाने में, इतने इजी नहीं होते हैं ये इस तरह से कर बनाने। आप सोच रहे हो कुछ नहीं है, ऐसी इजी चीज है। दिस वल्लभी क्लास से स्टार्ट हुई है बेटा, आज ही से पहली क्लास है आज है बेटा, और ये पूरे क्रिटिकल इश्यूज कवर करेंगे। अभी हम GS1 पे हैं, तो GS1 के अंदर हिस्ट्री आती है, तो सबसे पहले हिस्ट्री के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो कवर हो रहे हैं। आया समझ में? इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, पूरा कोर्स कवर करेंगे इसका। जो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज इस साल हुए हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ओके okay. नाउ सेकंड पार्ट जो आज मेरे को पढ़ाना था आपको, वो था नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कोई बता सकता है बच्चे को? कोई बता सकता है बच्चा कि इसका क्या मतलब है, कहाँ है ये, क्या चीज है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ है ये? कोई बच्चा बताएगा? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। प्रतिज्ञा बच्ची बोली है मेरी विशाखापट्टनम। और बच्चा कोई बताए? और कोई बच्चा बताए जिसको पता हो, सोच के बताओ कि कहाँ हो सकता है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। मैरीटाइम होगा तो समुद्र के आसपास ही कहीं। निशा ने कहा गुजरात में, द्वारका में। तो नेशनल मैरिटाइम, वही जैसे हम क्रिटिकल इशू बनाते हैं वही सिद्धांत याद रखना है, इससे सब बच्चे और भी बच्चे सीखे बनाना। आपको हर रोज ये क्रिटिकल इशू बनाना होता है। व्हाट इज इन द न्यूज? ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन गुजरात। ओके, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एज ए इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और ये इस तरह का म्यूजियम होगा कि पूरे देश की जो कल्चरल हेरिटेज है वो उसको वहां पर रिफ्लेक्ट करा जाएगा। So, कहां पर लोकेटेड हुआ? लोथल इन गुजरात। सो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट लोथल इन गुजरात। दिस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेडिकेटेड टू द कंट्रीज 5,000 ईयर मैरिटाइम हिस्ट्री। 5,000 ईयर्स, 5,000 साल की जो मैरिटाइम हिस्ट्री है वो इसके अंदर प्रदर्शित की जाएगी। From ancient times to modern times, all latest technology will be used,
Our aim of this complex is to spread awareness about the country's maritime heritage. It's a very unique thing, first time happening in the country, very important for the examination because of its special nature. And this is going to collect the information and showcase it starting from the ancient time, 5,000 years total history. 3000 BC से लेकर अब तक हम हिस्ट्री दिखाएंगे इसके अंदर. इट्स अ वेरी यूनिक अप्रोच. एनएमएससी वुड बी डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ अबाउट 400 एकर्स. सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. इट विल बी डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 400 एकर्स विद वेरियस यूनिक स्ट्रक्चर्स सच एज नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम, लाइट हाउस म्यूजियम, हेरिटेज थीम पार्क, म्यूजियम थीम्ड होटल्स, मैरीटाइम थीम्ड इको रिजॉर्ट्स एंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट. सो इतनी सारी चीजें होंगी यहाँ पर 400 एकर्स में. द यूनिक फीचर इसका क्या होगा? द यूनिक फीचर ऑफ एनएमएससी इज द रिक्रिएशन ऑफ एंशियंट लोथल सिटी विच वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. याद है ना आपको, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख स्थान था और इस पूरी सिटी को ही वहां पे दोबारा कल्पित, जो कल्पित सिटी है उसको वहां पर रिक्रिएट किया जाएगा. एंशियंट लोथल सिटी को वहां पर पूरा रिक्रिएट किया जाएगा. एंशियंट टाइम में आपको जैसा पता होगा, लोथल एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था जिसके अंदर बीड्स, जेम्स, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स ये जाते थे वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक. इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी ये, मोती, जेम्स, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स बनकर ये सारे के सारे वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक जाया करते थे लोथल से. उस लोथल एंशियंट टाइम एंशियंट टाउन को दोबारा रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है. That's why it is so important for exam. It is connecting that history of ancient time to the present age. Yeah, this is the port city of Yes Pratigya, Indus Valley Civilization. Okay. So the Lothal site has been nominated. Ye dhyan rakhna. The Lothal site has been nominated as the UNESCO World Heritage Site. And its application is pending on the tentative list of UNESCO. So, आज के इशू यही था. परसों नया इशू, नए दो इशू लेकर आऊंगा, आपको दो नए इशू पढ़ाऊंगा. हर ऑल्टरनेट डे रात को 10 बजे. और कल मैं कोशिश कर रहा हूं, कल मैं अपने इकोनॉमी का वन डे वन कंसेप्ट जो था उसको चालू रखूंगा. तो कल रात को 10 बजे वन डे वन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी. आपको ये तो पता ही होगा, वन डे वन कंसेप्ट एक और रेस्पेक्टेड टीचर ने वही वैसे ही डिजाइन वैसे ही सब कुछ बना के कॉन्सेप्ट वैसे ही शुरू किया. अच्छी बात है, ये अच्छा अच्छा है, बच्चों के लिए फायदे की चीज है. तो कल रात को 10 बजे वन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, परसों वन क्रिटिकल इशू. इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे एग्जाम तक, ये सारी चीजें हमारी रिवाइज हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. इतनी बड़ी क्लास भी नहीं है, आप बोर होने लग जाएं. आज तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम हो गया था, लग गया था 15-20 मिनट, थोड़ा की भेजने में उनसे गलती हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने आज GS1 को स्टार्ट किया है. आपको सारा कोर्स कवर हो जाएगा, जितने भी क्रिटिकल इश्यू पॉसिबल हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही इस तरह के हैं जो कि पिछले साल के क्रिटिकल इश्यू होते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. एंजॉय योरसेल्फ एंड बी रेडी टू स्टडी मच मोर हार्डर. एंड हर दिन या तो इकोनॉमी के हम क्रिटिकल इश्यू को पढ़ेंगे और इकोनॉमी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे एक दिन छोड़कर हिस्ट्री GS1, फिर GS2 और फिर GS3, उनके क्रिटिकल इश्यू पिछले साल के. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय योरसेल्फ. लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस, विद फोकस. थैंक यू.